अगर दिल्ली दूर है तो दिल्ली इतनी भी दूर नहीं है कि हम उसका टिकट लेकर या हम किसी अपने पर्सनल वाहन से, क्योंकि इस न्यूज से TTML को भी प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन भी इनके एक सहायक। आपको एक चीज बता दूं सर, इसका बुरा इफेक्ट तो तीनों शेयरों में पड़ेगा लेकिन वोडाफोन आइडिया में थोड़ा कम पड़ सकता है क्योंकि वो तो पहले ही इतना गिर चुका है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर TTML की, और बात करेंगे सर टाटा कम्युनिकेशन की, वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर HFCL और GTL की, क्योंकि स्पेक्ट्रम नीलामी से ही इन सब का जो फ्यूचर है ना वो तय होने वाला था। और कई महीनों से हमने इसके अंदर इस दिन की आस में काफ़ी दिनों तक अपने दिल को मजबूत कर रखा था। जहां स्पेक्ट्रम नीलामी की न्यूज आती रही है और वहीं पर हमारे हृदय को एक पॉजिटिव संकेत देती रही है, और इसी कारण से जो भी तीनों टेलीकॉम सेक्टर के हमारे शेयर हैं यानी कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वोडाफोन आइडिया हो गया, इन सब ने एक ही आवाज़ में कहा था कि सरकार को कि कैप्टी प्राइवेट नेटवर्क की मंजूरी नहीं दी जाए, लेकिन वही हो गया जो इनको मंजूर नहीं था। साफ साफ मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर, इसका बुरा इफेक्ट तो तीनों शेयरों में पड़ेगा लेकिन वोडाफोन आइडिया में थोड़ा कम पड़ सकता है क्योंकि वो तो पहले ही इतना गिर चुका है कि उसमें ज़्यादा इफेक्ट इस न्यूज का नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया सर अपने को उभार रहा है और धीरे धीरे अपने कर्जों को उतारने के लिए वो वर्क कर रहा है। अब ये न्यूज का इफेक्ट सर ये है कि जब ये कैप्टी प्राइवेट नेटवर्क की जो मंजूरी मंत्रिमंडल ने दे दी है और इसकी वजह से टेलीकॉम ऑपरेटर ने सर इसका विरोध किया है और फिर भी ये चीज़ लागू हो गई है, जहाँ इसके लागू होने से सर टाटा कम्युनिकेशन, ITC और ब्रॉडबैंड इंडिया को इसका फ़ायदा होगा। ब्रॉडबैंड इंडिया में सर फेसबुक, गूगल, अमेजोन भी वर्क करता है सर। आपको एक चीज़ बता दूं कि इस न्यूज़ से TTML को भी प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि टाटा कम्युनिकेशन भी इनकी एक सहायक कंपनी है जो इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के लिए भी आगे जाकर वर्क करेगी और क्लाउड में भी ये काम करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अपना पर्सनल निजी नेटवर्क जो है 5G की मंजूरी मिलती जा रही है। आपको एक चीज और बता दूं कि इससे GTL, HFCL को क्या प्रॉफिट होगा सर, उनको इसलिए प्रॉफिट होगा कि अगर ये 5G स्पेक्ट्रम नीलामी होती है और उनको वो ऑर्डर मिलता है तो वो 2023 तक, उन्होंने कहा है, दूर संचार उपकरण बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि वो अपने ऑर्डर को पूरा कर देंगे 2023 तक अगर 5G सर कुछ शहरों में लागू होता है, यानी कि 5G लागू होने से, स्पेक्ट्रम आने से GTL हो गया क्योंकि वो टावर में काम कर रहा है सर, HFCL हो गया सर ऑप्टिकल फाइबर में काम करता है, तो इनकी भी जरूरत सर इस सिस्टम में पड़ती है और ये इसका फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको पता रहना चाहिए कि आवेदन जमा करने की जो डेट है सर 8 जुलाई है और 20 जुलाई तक देख लिया जाएगा कि कौन कौन इस सूची में शामिल होगा, और 26 जुलाई को सर स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, यानी कि जुलाई के एंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी होने जा रही है। कितना भी विरोध तीनों कंपनी कर ले सर, लेकिन जो चीज़ हो चुकी है वो अब आपको आगे जाकर देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट आपको थोड़ा बहुत शेयरों में गिरावट के आसार देखने को मिल रहा है। कल ही मैंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है सर, तो अगर दिल्ली दूर है तो दिल्ली इतनी भी दूर नहीं है कि हम उसका टिकट लेकर या हम किसी अपने पर्सनल वाहन से वहां ना पहुंच पाए। दिल्ली दूर है लेकिन दिल्ली दूर होने के लिए हमें देर देखिए अब जरूरत पड़ेगी। अब कैप्टी प्राइवेट नेटवर्क की मंजूरी तो सर मिल गई है, तो इसमें से सर ITC, टाटा कम्युनिकेशन और ब्रॉडबैंड इंडिया को खुशी हो रही होगी और कहीं ना कहीं इन तीनों को दुखी हो रही होगी। तो सर स्पेक्ट्रम नीलामी की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सर 8 जुलाई और 26 जुलाई तक
आपको अपने शेयरों में थोड़ी गिरावट के आसार भी देखने को और ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रम नीलामी से पहले ये जो निगेटिव न्यूज़ मैंने आपको कल भी बताई थी वो तीनों ऑपरेटर को झेलनी पड़ेगी सर। और 26 जुलाई तक जब नीलामी होगी उससे पहले ये शेयर आपको तेज़ी अब दिखाएंगे, क्योंकि हल्की हल्की तेज़ी ये बीच में भी आपको दिखा सकते हैं और कहीं ना कहीं फिर ये शेयर आपको नीचे की तरफ भी मिलने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, क्योंकि जो चीज़ उनकी मन की नहीं हुई है तो वो भी उसमें अभी विरोध भी कर सकते हैं, और आगे अगर जाकर इन्होंने ज़्यादा विरोध कर दिया तो कहीं ना कहीं फिर इसके अंदर अलग समस्या भी हमें देखने को मिल सकती है। फिर भी पॉजिटिव संकेत ये है कि स्पेक्ट्रम नीलामी की डेट फाइनल कर दी गई है और 26 जुलाई को इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और इससे सर GTL हो गया, HFCL हो गया, TTML को ज़्यादा है, और टाटा कम्युनिकेशन हो गया, इनमें इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा सर। तो एक छोटी सी वीडियो मैंने आप बता दी थी कि 5G स्पेक्ट्रम आने से शेयरों में इफेक्ट पड़ सकता है और किन शेयरों में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बना दी सर। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।